नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज मैं इस वीडियो में आप सबके साथ शेयर करूंगी बहुत ही इजी एंड डिलीशियस मैंगो पुडिंग। हमें चाहिए 2 पके आम जिसका वेट है लगभग 400 ग्राम, साथ में आधा कटोरी शक्कर, 1/4 कटोरी कॉर्नफ्लोर, 300 ml दूध, आधा चम्मच नींबू का रस और लगभग 2 पिंच नमक। सबसे पहले आम को हम इसी तरह से 3 हिस्से में काट लेंगे। उसके बाद एक मिक्सिंग जार लेके और एक चम्मच की मदद से इसी तरह से बहुत ही आसानी से आम के पल्प को निकाल लेंगे। और आम के सीड्स के बॉडी पे जो छिलका है उसको इसी तरह से पहले निकाल लेंगे। नाइफ के मदद से उसके बॉडी से पल्प को निकाल के हम सीड्स को फेंक देंगे और वही प्रोसेस में दूसरे सीड से भी पल्प को निकालेंगे। इसके साथ मिलाएंगे आधा कटोरी शक्कर। शक्कर आपको जितना चाहिए उतना ही डालना और लगभग 2 पिंच नमक और 250 ml दूध डालेंगे। 50 ml दूध हम बचा के रखेंगे, ये हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। और मिक्सिंग जार के ढक्कन अच्छे से बंद करके इसको हम अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। ब्लेंडिंग के बाद हमें हमारा स्मूथ सा प्यूरी मिल चुका है। ये कितना ज्यादा घना और सिल्की सा है। अब हम कॉर्नफ्लोर के बैटर रेडी करेंगे। ये 1/4 बोल कॉर्नफ्लोर के अंदर लगभग 50 ml दूध डाल के इसका एक अच्छा सा स्मूथ सा बैटर बनाएंगे। बिल्कुल इसी तरह से इसको अच्छे से बस घोल लेना है। ओवन में एक पैन चढ़ा के उसके अंदर एक प्यूरी डालेंगे और इसके साथ एक कॉर्नफ्लोर के बैटर मिला के हमें इसको चलाते रहना है बिल्कुल लो फ्लेम पे लगभग 4-5 मिनट के लिए, जब तक ये ठीक ना हो जाए। लगभग 3 मिनट बाद इसके अंदर आधा चम्मच नींबू का रस डालेंगे, इससे इसका फ्लेवर और भी लाजवाब आएगा। और इसको और 2 मिनट के लिए इसी तरह से चलाते रहेंगे। लगभग 5 मिनट बाद आप देख सकते हो ये कितना ज्यादा ठीक हो चुकी है। अब हम गैस या ओवन को ऑफ कर देंगे। मोल्ड के लिए आप किसी भी तरह के कटोरी का इस्तेमाल कर सकते हो, ये हमारे घर में इजीली मिल जाएगा। आपको बाहर से मोल्ड खरीदने का बिल्कुल जरूरत नहीं। और इस गर्मा गर्म प्यूरी से हम इस मोल्ड को भर देंगे। 2 कटोरी के अंदर ही मैंने सारे प्यूरी को भर दिया। इसको थोड़ा सा टैप करके हम इसको रूम टेम्परेचर में 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे। 1 घंटे बाद हम फ्रिज में इसको रख देंगे लगभग 6 घंटे के लिए, ताकि ये अंदर से सेट हो जाए। 6 घंटे बाद आप देख सकते हो हमारी पुडिंग अच्छे से सेट हो गई है। अब हम इसको ध्यान से अनमोल्ड करेंगे और इसके ऊपर थोड़ा सा चॉप्ड मैंगो और साथ में नींबू के 2 पत्ते लगा के हम इसको डेकोरेट करेंगे।
ताकि ये और भी ज्यादा खूबसूरत दिखे। तो इस डिलीशियस मैंगो पुडिंग को घर में जरूर ट्राई करना और मुझे कमेंट में बताना आपको ये रेसिपी कैसा लगा। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। शुक्रिया।